अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए आप सभी को थैंक यू। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लास्ट मोमेंट पर चैंग मास्टर फिलोंग को लेकर आ जाता है, जहां मास्टर फिलोंग कमांडर को जान से मार देते हैं, जिसके बाद सभी लोग चैन की सांस ले रहे होते हैं। अब आगे जहाँ हमें ड्रैगन कैसल को दिखाया जाता है, अब वहाँ सभी लोग एक न्यू जहाज में होकर यहाँ से ड्रैगन पिक के लिए जा रहे होते हैं। तभी ज़ाउडई कैप्टन लू को बाय कर रही होती है, जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें जिलैंग को दिखाया जाता है, जो अपने रिफाइनमेंट बाउल को देख कर कह रहा होता है, आखिर इतनी सारी सोल की कुर्बानी देने के बाद मेरा मैनिफोल्ड पॉइजन फ्लूट फाइनली रेडी हो ही गया। अब यह कहने के बाद वो जोरों से हंसने लगता है, जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज कर वहाँ पर बहुत सारे बग डेमन को बुला लेता है, जो सीधे उस बाउल में चले जाते हैं, जिसके बाद वो जहरीला वेपन बाहर निकल के जिलैंग के पास चले जाता है, जहाँ जिलैंग अब उस वेपन को अपने हाथों में लेकर बोल रहा होता है कि ये वेपन मेरे मास्टर की काफी ज्यादा काम आएगी, और फिर से पागलों की तरह हंसने लगता है, जिसके बाद यहाँ सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम प्रिंसेस सुलिंगयोंग को देखते हैं, जिसके पास अब जैंग आ जाता है। तभी प्रिंसेस उससे कहती है, मुझे जनरल फिलोंग का लेटर मिला था जिसमें उन्होंने तुम्हारी तारीफ की थी, जिस पर जैंग कहता है, आपने सच में मेरा काफी ज्यादा ख्याल रखा, पर फिर भी मैं वहाँ अच्छी तरह से नहीं लड़ पाया, इसलिए मैं आपका दोषी हूँ। तभी प्रिंसेस कहती है, वैसे तुमने कितने ब्लेड बग डीमंस को मारा और उनके क्रिस्टल को लिया, 100 या 200? अब यह सुनकर जैंग अपनी हाथों से उन सभी क्रिस्टल को बाहर निकालने लगता है और कहता है, पूरे 626 क्रिस्टल है मैच्योर ब्लेड बग डीमंस के। अब यह सुनकर प्रिंसेस कहती है, बस 600 पॉइंट्स, ये तो काफी कम है, जिसके बाद जैंग दो और खास क्रिस्टल को बाहर निकाल कर प्रिंसेस को दिखाता है, जिसे देख प्रिंसेस कहती है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो स्प्रीड एल्यूमिनेशन स्टेज की क्वीन ब्लेड बग का क्रिस्टल है, और ये तुमको कहाँ से मिला? जिस पर जैंग कहता है, क्या आपको लग रहा है कि मैं इसे कहीं से उठाया हूँ? जिस पर प्रिंसेस कहती है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं इसे खरीदूंगी? जिसके बाद प्रिंसेस जैंग के काफी पास आकर बोलती है कि ये एल्यूमिनेशन स्टेज के डेमोनिक बीस्ट की काफी रेयर क्रिस्टल है। तभी हम बाहर ज़ाउडई को उस मैंसन के छत पर बैठा हुआ देखते हैं, और नीचे चैंग भी खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। तभी इधर प्रिंसेस जैंग से उसका टोकन मांगती है और उसे देखकर कह रही होती है कि तुम्हें टोटल 1126 पॉइंट मिले हैं और तुम्हारे क्रिस्टल को डिसाइपल टोकन में जमा कर दिया गया है। जिस पर जैंग कहता है, मैं ये क्रिस्टल आपके लिए बाद में ला दूंगा। जिस पर प्रिंसेस कहती है, ठीक है, पर तुम इतने सारे पॉइंट का करोगे क्या? जिस पर जैंग कहता है, मैं हेवेनली फेट पवेलियन जाना चाहता हूँ। अब यह सुनकर प्रिंसेस थोड़ा गुस्साते हुए कहती है, क्या तुम वहाँ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जा रहे हो फॉरगेटरी माउंटेन के बारे में? जिस पर जैंग कहता है, हाँ, पर क्या इसमें कुछ गलत है? जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अभी यान के मैटर के बारे में मत सोचो, तुम अभी उतने पावरफुल नहीं हो जो उसे बचा पाओगे, और तुम्हारे लिए अभी इस बारे में सोचना बेवकूफी होगी और कुछ भी नहीं। अब यह सुनकर जैंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन यान को जरूर बचाऊंगा और मुझे उसे बचाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब यह सुनकर प्रिंसेस कहती है कि जैंग, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? तभी जैंग ये सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है और प्रिंसेस को सॉरी बोलता है, जिसके बाद प्रिंसेस जैंग का टोकन वहाँ फेंक कर बाहर चली जाती है। तभी वो बाहर चैंग से कहती है कि सेक्ट मास्टर ने सभी मेंटर्स को बुलाया है, तो मुझे यूनाइटेड हेवन्स पीक देखने के लिए जाना है, तब तक तुम यहाँ पर सबका ध्यान रखो।
को, जिसके बाद प्रिंसेस एक जहाज पर चढ़कर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हमें जैंग को एक जंगल में एक जगह पर बैठा दिखाया जाता है। तभी वो अपने दो वेपन को देखकर कह रहा होता है, ये दो छोटे हेवन ग्रेड के सीक्रेट वेपन है, जिन्हें जैंग रिफाइन कर कुछ छोटे स्टोन में बदल देता है, जहाँ अब वो सभी स्टोन जैंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चली जाती है। तभी वहाँ जैंग का अजोरा ड्रैगन भी आ जाता है, जहाँ वो स्टोन अब जाकर उस ड्रैगन में लग जाता है, जिससे अब अजोरा ड्रैगन काफी पावरफुल हो जाता है। तभी जैंग की अब रियल वर्ल्ड में आँख खुल जाती है, जहाँ वो देखता है कि मैं अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ। तभी वो अपनी बहन का पेंडन हाथ में लेकर उसे याद कर रहा होता है और कहता है, अब हम जल्दी ही मिलेंगे। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैंग चोरी छिपे हेवेनली फेट पवेलियन में आया होता है, जहाँ हमें बताया जाता है कि यहाँ सभी प्रकार की जानकारियाँ रखी जाती हैं। तभी जैंग वहाँ पर फॉरगेटरी माउंटेन के बारे में जानकारी ढूंढने लगता है, पर उसे वहाँ कहीं नहीं वो जानकारी मिल रही होती है जो वो ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देख जैंग हैरान हो जाता है और उसके पास जाकर उस दरवाजे को टच करता है। तभी वो दरवाजा खुल जाता है, जिसे देख जैंग बोलता है, क्या इस दरवाजे के पीछे फॉरगेटरी माउंटेन के बारे में जानकारी हो सकती है? जिसके बाद जैंग उस दरवाजे के पास चला जाता है, पर तभी वो दरवाजा उसे तुरंत ही अपने ओर खींच कर वापस उसी जगह पर पहुँचा देता है। अब ये देख कर जैंग सोच रहा होता है, क्या ये दरवाजा एक और दरवाजे से जुड़ा हुआ है? जिसके बाद वो उस दरवाजे पर एक जोरदार पंच मारने को करता है, पर तभी वहाँ पर उस दरवाजे से जाओ नहीं आ जाती है और जैंग से कहती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब जैंग जाओ नहीं को उस दरवाजे से बाहर आता देख चौंक जाता है और उससे कहता है, आखिर तुम इस दरवाजे से कैसे आ सकती हो? जिस पर जाओ नहीं जैंग को उस दरवाजे से आर पार होकर दिखा रही होती है, पर तभी वहाँ पर कुछ लोगों की आवाज आ जाती है जो सुन जैंग घबरा जाता है, पर तभी जाओ नहीं जैंग का हाथ पकड़कर अपने साथ लेते जाती है। तभी इधर वो दो लोग चेक करते करते आ रहे होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ नहीं जैंग को धक्का देकर एक जगह में उन लोगों से छुपा रही होती है और खुद भी वहाँ पर छुप जाती है, जिस जगह पर ज्यादा जगह ना होने की वजह से जाओ नहीं बिल्कुल जैंग के पास खड़ी थी। तभी बाहर वो लोग इधर उधर चेक कर रहे होते हैं कि यहाँ पर सब ठीक तो है ना। तभी जाओ नहीं और जैंग उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। तभी जैंग जाओ नहीं को कुछ बोलने को करता है, पर जाओ नहीं उसे चुप रहने को बोलती है और वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब होने के कारण एक दूसरे को काफी प्यार से देख रहे होते हैं। पर तभी जैंग के पैरों से आवाज हो जाती है। अब यह सुनकर बाहर वो लोग इसी तरफ देखने को आने लगते हैं, पर तभी इधर जाओ नहीं डर से जैंग के और भी करीब आ जाती है और अब बाहर वो लोग उस दरवाजे को खोलने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर कुछ चूहों की आवाज आ जाती है, जिस कारण उन लोगों को लगता है कि वो आवाज उन चूहों ने ही की होगी, इसलिए वो लोग अब यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जाओ नहीं भी वहाँ से बाहर आ जाती है और जैंग को भी बाहर आने को बोलती है, पर जैंग कुछ सोच रहा होता है कि अभी मेरा दिल इतने जोरों से क्यों धड़क रहा था। तभी यह देख जाओ नहीं कहती है कि जैंग अब सोचना बंद भी करो और अपने हाथ को आगे बढ़ाकर जैंग को पकड़कर बाहर ले आती है, जिसके बाद जाओ नहीं थोड़ा शर्माते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी जैंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, जहाँ अब जाओ नहीं उस दरवाजे को देखकर सोच रही होती है कि आखिर ये किस टाइप का दरवाजा है। और यही एपिसोड खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।